फिर स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार मजेदार वीडियो में। और हम आपके लिए इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं एक बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही क्यूट सा, बड़ा ही अच्छा सा और बड़ा ही अट्रैक्टिव सा टॉय। और वो है हमारी आरसी कार, यानी रिमोट कंट्रोल कार। दोस्तों ये कार आप जानते ही होंगे, अगर आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो बेन 10 आर्मी की एक कार है और वैसे ही देखने में लगती है, हल्के से ग्रीन कलर में है। इससे पहले कि हम कार को बॉक्स में से बाहर निकालें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये कार रिचार्जेबल है, यानी इसमें देखिए चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जिससे चार्ज होगी और इसमें ऑन ऑफ का बटन है। ये कार बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ काम करेगी और लेफ्ट राइट भी टर्न होगी। साथ ही इसमें डुअल ए साइज़ की दो बैटरियाँ लगेंगी। अच्छी बात यह है कि ये कार मेड इन इंडिया है, यानी अपने इंडिया में बनी हुई है। दोस्तों इस कार की खासियत यह है कि एक स्टंट कार कंपनी की तरफ से क्लेम की जा रही है कि ये स्टंट करेगी और 360 मोमेंट होगी। जैसा आप देख रहे हैं ये अप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, अगर ये कार किसी वजह से पलट जाती है तो ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से ये कार ढंग से काम करेगी। तो दोस्तों अब हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे और इस बॉक्स में से इस कार को निकालेंगे। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और इस कार को बाहर की तरफ निकालते हैं। दोस्तों इस कार की जो ये पैकिंग है ये काफ़ी कमज़ोर किस्म की है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पैकिंग से हमें क्या लेना है, हमारे पास जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो सुंदर होना चाहिए, वो मज़बूत होना चाहिए, वो टिकाऊ होना चाहिए। अब आ गई कार हमारे हाथ में, ये देखिए काफ़ी भारी है और इसमें वज़न भी है, यानी कि वेट है कार में। दूसरे तरफ आपको एक बार और दिखाते हैं जो इन्हें बॉक्स मिला है, इस बॉक्स में कार के लिए स्पेस होगा। दूसरे साइड में एक रिमोट है जो कि आगे पीछे और लेफ़्ट राइट करने के लिए है, ये देखिए रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। फिर साइड में एक डाटा केबल जिससे हमारी कार चार्ज होगी। ओवरऑल यही सारे कंटेंट इस बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। ये बॉक्स थर्माकोल का बना है तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि इसका जो प्राइस है वो इस पे शो हो रहा है 792, लेकिन थोड़ी सी सस्ती है और ये 600 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर ये 700 में भी मिल रही है और ढंग से काम कर रही है तो कोई इसमें शिकायत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कार काफ़ी बेहतर समझ में आ रही है। और दोस्तों इस कार के फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल अपीयरेंस इसका क्या कहता है कि ये कार ग्रीन कलर की है और लाइम कलर आप बोल सकते हैं, ज़्यादा चमकीला हरा रंग है, दूर से चमकने वाला है। इसके बाद इसमें चार व्हील दिए हुए हैं, ये देखिए लेफ्ट राइट होने के लिए, और ये स्ट्रेट फिक्स व्हील है, ये आगे पीछे नहीं होगा, सिर्फ गोल गोल घूमेगा। स्टंट करने के लिए एक व्हील यहाँ पर दिया हुआ है और आगे की तरफ एक राउंड सरफेस बना हुआ है जो स्टंट करने में इसकी हेल्प करेगा। इसके साथ एक पीछे पोर्ट बना हुआ है 5.5 वोल्ट के चार्जिंग के लिए, यानी कि कोई भी नॉर्मल मोबाइल चार्जर जो आपके मोबाइल में लगता है वो इसमें लग सकता है। इसके बाद एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ को जैसे ही हम ऑन ऑफ बटन इस्तेमाल करेंगे ये आवाज़ करने लगेगी कार। दूसरी तरफ जब नीचे की बात करें तो एक ठोस मजबूत प्लास्टिक के साथ ये आती है, ये काफ़ी मजबूत है। और जब हम 700 रुपये के रेंज में बात करते हैं तो 700 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा, ये तो बढ़िया है, क्योंकि कल हमने जो 150 रुपये की अनबॉक्सिंग की थी वो उससे तो बेटर है। भले वो 150 में थी लेकिन 150 रुपया वैल्यू फॉर मनी नहीं समझ में आ रहा था, ये समझ में आ रहा है। अब हम इसके टायर की बात कर लेते हैं, तो ये प्लास्टिक के हैं, रबड़ के नहीं हैं। आपको देखने में रबड़ जैसा फील आ रहा होगा बट ये रबड़ के नहीं है, ये पूरी तरीके से देखिए प्लास्टिक के वायर हैं। साथ ही इसमें जो ग्रिप है वो उतनी अच्छी नहीं है, मीन्स ये ज़मीन पकड़ के नहीं बल्कि ज़मीन पे फिसलते हुए चलेंगे, थोड़ा चिकने वाली फीलिंग आती है, हल्की ग्रिप है। तो ये इसलिए बनाया होगा क्योंकि प्लेन ग्रिप होने के वजह से ये जो कार हमारी है ये ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगी और टर्न होना, अगर किसी चीज़ से लड़ के घूमना या उस पर फिसल जाना, उसमें ये अच्छी साबित होगी। क्योंकि अगर स्लिपरी नहीं रहेगी ये कार तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये अच्छे से अपना 360 वाला पूरा प्रोग्राम नहीं फॉलोअप कर पाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल ये कार बहुत अच्छी है, साथ ही इसमें जो ये व्हील है ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, देखिए स्टंट के लिए, क्योंकि बैलेंस पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी ये कार आप देखेंगे बैलेंस है, गिर नहीं रही है, ये रोड पे चलेगी तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस देना चाहिए, एक अच्छी कार साबित होनी चाहिए इसे। तो चलिए अब हम इसे सीधा टाइम बिना वेस्ट किए सड़क पर ले जाते हैं
लेकिन उससे पहले इसे एक बार पूरी तरीके से इसमें फ्यूल भर देते हैं, यानी कि इसे पूरी तरीके से आधे घंटे के लिए चार्जिंग में लगाएंगे और फिर हम इसे लेके जाएंगे। और फाइनली ये कार आ गई है बाहर। हमने सड़क पे सोचा था, लेकिन हम सड़क पे इसे नहीं उतारेंगे, हम एक इसे अपने स्कूल के ग्राउंड में उतारेंगे, ताकि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई स्टंट कार है या एक फेल कार है। चलिए ऑन करते हैं और इसको सड़क पे उतारते हैं। पहले बटन की टेस्टिंग कर लेते हैं, आगे पीछे इसको करके थोड़ा सा इसका पावर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये प्रॉपरली रोटेट वगैरह हो रही है, इसके सारे व्हील अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर हम आगे इसको थोड़ा सा मोमेंट देंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। ये कार वाकई में थोड़ी सी ताकतवर है, क्योंकि अभी सरफेस प्लेन नहीं है, क्योंकि जहाँ अटक वटक जाती है वहाँ से आगे पीछे तो निकल ही जाती है। पावर के मामले में तो ठीक ठाक है, क्योंकि इतने कम दाम में ऐसा मिल जाना तो अच्छा ही है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी म्यूज़िक बहुत ही घटिया किस्म की है, ना कुछ समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ कार का साउंड ही या कोई मोस्टर ट्रक का साउंड इसमें डाल देते तो शायद वो ज़्यादा बेहतर साबित होता। चलिए वापस से अब इसे कोशिश करते हैं कि इसे हम अपने स्कूल से बाहर लेके चलें, इसके गेट की तरफ से। गेट खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारी कार, ये हमारा मोस्टर ट्रक वापस से स्कूल में से बाहर निकल पाता है खुद से, कि हमें मैन्युअली ही इसे बाहर करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि इसके जो टायर हैं उस पर ग्रिप नहीं है, यानी वो पकड़ नहीं बना पाते, स्लिपरी हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने के बाद ये फिसल जा रहे हैं। चलिए हम इसको हाथ से ही बाहर ले जाते हैं। सड़क पे इस ट्रक का, इस कार का क्या कहना, बहुत ही बढ़िया लग रही है और आप देख के इसे खुश हो जाएंगे, और चलाने में तो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस आता है। देखिए थोड़ा सा हमारा रफ सरफेस है, गिट्टी वगैरह कंक्रीट पड़े हुए हैं, फिर भी ये एक बार दो बार टर्न होने के बाद निकलने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों ये जो है, ये खाली स्टंट करने की जब बारी आती है तो स्टंट तो परफेक्ट कर ले रही है आप देखेंगे, लेकिन अब क्योंकि इसे चलना भी है तो स्टंट के अलावा इसे हम चलाने की कोशिश करेंगे। वाकई में काबिले तारीफ है। बस ये है कि अगर इसमें स्टंट के साथ साथ एक लेफ्ट राइट का बटन भी दे दिया होता, जिसे सिर्फ लेफ्ट राइट हो ना कि स्टंट हो, तो ये गाड़ी एकदम सुपीरियर हो जाती। ये इसमें बड़ी ड्रॉबैक है, हो सकता है कंपनी ने अपग्रेड वर्जन में ऐसा बनाया हो जिसमें लेफ्ट राइट का बटन नहीं होगा। पूरे तरीके से देखा जाए तो ये कार काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक भी मजबूत है, क्योंकि इतना स्टंट करना है, अगर पतली कमज़ोर प्लास्टिक होती तो टूट जाती, गिरती पड़ती रहती है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी मजबूत है। बस कमी यही समझ में आती है कि इस कार में लेफ्ट राइट के लिए अगर कोई बटन दे देता तो शायद वो बेहतर होता। बाय द वे कंपनी ने कुछ अपने हिसाब से सोच कर रखा होगा।
नज़दीक से स्टंट देखिए, कितना अच्छा इसका मोटर का एडजस्टमेंट है, कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये बढ़िया सिस्टम मुझे लग रहा है यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और ट्रायल्स के अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।